मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण योजना आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर छात्रों की प्रवेश तारीख अब 9 जुलाई कर दी गई है ताकि अभिभावकों को राहत पहुंचाई जा सके। मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर में शिक्षा नीति में आरटीआई के तहत बच्चों को फीस से राहत पहुंचाई जाती है। इसके तहत अभिभावक अपने बच्चों को आरटीआई के द्वारा निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने में सफल रहते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के दौरान आरटीआई में अभिभावकों की रुचि को कम ग्राफ को देखते हुए इस बार निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तारीख बढ़ाते हुए 9 जुलाई कर दी गई है। इससे पहले यह तारीख 30 जून तक ही निर्धारित की गई थी। शासन स्तर से ये बात जारी थी कि जो जितने फॉर्म भरे थे उतना उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। कई लोगों को समस्या थी, कुछ कागजात उनकी कमी थी, इसलिए वो उसको वेरीफाई नहीं करा पा रहे थे, कागजात बनाने के लिए गए थे। इसीलिए शासन ने इन बच्चों के हित में ध्यान रखते हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और अब ये जो तारीख है वो 9 तारीख तक फॉर्म भरने की तारीख है, 10 तारीख तक उसे सत्यापित करा सकते हैं, 16 तारीख को लॉटरी निकलेगी और 26 तक उनको स्कूल में प्रवेश स्कूल जाना चालू हो जाए। यह तारीख सीटों की तुलना में कम आवेदन मिलने के चलते बढ़ाई गई है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।